इन दिनों मुंगेली जिला में स्थित एक तालाब बड़े ही चर्चा पे है। लोगों की भारी भीड़ हर सोमवार को यहां देखी जा रही है। बताया जा रहा है सोमवार को इस तालाब में नहाने से चर्म रोग ठीक हो जाता है। इतना ही नहीं, और भी बहुत सारी बीमारियां भी ठीक होने का दावा किया जा रहा है। हम बात कर रहे हैं मुंगेली जिला के पिंडी तालाब की, जिसे चमत्कारी तालाब के नाम से लोग जान रहे हैं। साथ ही मुंगेली तालाब के नाम से भी लोग इसे जानते हैं, जो मुंगेली से महज 15 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, जहां अगर कोई रोगी व्यक्ति स्नान करे तो उसके सारे रोग समाप्त हो जा रहे हैं। इस तालाब को लोग सत्य सागर पिंडी तालाब भी बता रहे हैं। स्थानीय लोगों के अनुसार पिंडी तालाब की चमत्कार 200 साल पहले चली आ रही है। अब जब सभी लोगों को इस तालाब के चमत्कार के बारे में पता चला है तो भारी संख्या में लोग तालाब में स्नान करने के लिए पहुंच रहे हैं। बताया जा रहा है इस साल हर सोमवार को लोगों की इतनी अधिक भीड़ इकट्ठा हो जा रही है कि कई लोग यहां घूम जा रहे हैं। गांव के 75 वर्षीय कामता दास खांडेकर की माने तो यह तालाब 200 साल पहले से चमत्कार कर रहा है। सतनामी समाज के गुरु अमरदास के लोरमी से मुंगेली प्रवास के दौरान इसी तालाब के पास रुके हुए थे। उनके अनुयायियों ने गुरु की पूजा अर्चना की थी, तब गुरु ने कहा था कि यह तालाब कल्याणकारी होगा। पहले यह डबरी नुमा था जो लोगों की शारीरिक समस्या को दूर करता था। शारीरिक समस्या ठीक होने पर नायक नाम के एक व्यक्ति ने डबरी को लगभग 3 एकड़ का तालाब बना दिया। तब से लेकर आज तक इस तालाब की पूजा अर्चना के साथ लोग यहाँ स्नान करते हैं। हर साल सावन के महीने में तालाब की पूजा की जाती है। इस तालाब में डुबकी लगाने के लिए छत्तीसगढ़ी नहीं बल्कि देश के कई राज्यों से लोग भारी संख्या में पहुंच रहे हैं। ग्रामीण बताया कि इस तालाब के पानी का उपयोग कीटनाशक के रूप में भी किया जा रहा है। जब खेतों में कीट लग जाती है तो किसान यहाँ का पानी को लेकर अपने खेतों में छिड़काव कर रहे हैं, जिनके उनकी फसल की पर लगने वाले कीटाणु मर जा रहे हैं और फसल की रक्षा भी हो रही है। आज आपको दिखाते हैं उस तालाब की कुछ तस्वीरें। जैसे बवासीर है, नासूर है, सिंगराज है, भकंदर की बीमारी है, दाद है, खुजली है, जैसे नसा चिपकत है, ये सब बीमारी दूर हो जाते हैं। प्रतिदिन 500, 400, 1000, 2000 आदमी आवत है। ये 200 साल के पहली बात है। एमा थोड़ा सा गड्ढा रहीस, ओमा जल रहीस, नायक भैंसा बैला के रोजगारी करत रहीस, नायक लकोड़ के बीमारी रहीस, पुष्ट रोग के बीमारी रहीस, भैंसों कुछ बीमारी रहीस, भैंसा गड्ढा के जल के पानी ला भैंसा है पीस है और ओमा के स्वस्थ पूरा भैंसा तुरंत स्वस्थ हो गए, बीमारी खत्म हो गई। तो नायक सोचते मट्टी शरीर में छुपरे है और अपन वही जल में स्नान करे है और बैला भैंसा बेरोजगारी करते रही, जो भैंसा बैला भैंसा रोजगारी करके एमेर बरबसपुर गांव रही है, पड़ी तालाब भी है, ये मनोहरपुर तीनों गांव के बीच में तालाब हवा है और नायक की ही पूरा पुराना सियान मल्ला जोड़ के मैं एमेर सागर खनवा देते, मोर दैसे दैसे बीमारी रहीस, मोर पुष्ट रोग की बीमारी रहीस, तका हो ही कहीस कोनो दू डंगनी कोनो दू चार डंगनी ऐसे सहयोग के पुण्य के काम करीस, ओकर बाद में नायक खुदा के चल दीस, खुदा के बाद में आज हमार बीच में सतनामी समाज के बीच में हमार भारत में हमार छत्तीसगढ़ में ऐसे धरोहर छोड़ के गई से जेकर वर्णन नहीं कर सकता। दाद है, चिंगराज है, बबासीर है, नासूर के बीमारी है, उंगली मन जैसे अकड़त है वो पूरा ठीक हो जाते है, बड़े बड़े बीमारी ठोक होते, श्रद्धा और भक्ति शाही एकरे में ये गंगा मेरी शक्ति है, हमार में कोई शक्ति नहीं, बाबा मेरी शक्ति है, ये चांद सूरत धरती आकाश एकर मेरी शक्ति है, ओकरे मेरे पावर है। ये तालाब के थोड़ा स्थापना के बारे में बताएं, कब सुरिस कौन सा सन के? ये 200 साल के पहली बात सन हम नहीं जान सकन। मैं दत्तकबर रहे, 10 साल के 12 साल की उम्र रहीस, मोर पिताजी हम जल लगत रहीस, मैं मोर प्रॉपर गांव जमकोर हरे उमरिया जमकोर जेना अमर टापू जा जाते, मोर पिताजी है वहाँ की जमीन जायदाद बेच के मनोहर पूरा अपन ससुराल में आ गए। नारियल है, अगरबत्ती है और दीपक जला सकते हैं, बाकी कोई चीज नहीं। वो कराने वाले समय में कंट्रोल हो जाएगी। बिल्कुल, शासन प्रशासन पूरा कल के थाना में सूचना दे चुके हैं। अच्छा, तो पूरा फुल सहयोग है शासन से, मंत्री नहीं आए, विधायक आ रही है। अच्छा, जो कांग्रेस के जो विधायक के लिए खड़ा हुए है ना नया कांग्रेस, वो आया है थनेश्वर साहू। कोई अंधविश्वास नाम की चीज नहीं है, ये साथ साथ गंगा प्रगट है, धरती गंगा प्रगट है, सूर्य प्रगट है, धरती आकाश प्रगट है, वही कोई भेदभाव को नहीं है, यह दो नंबर के काम नहीं चलते। अच्छा, आप लोग प्रचार करो, हमारे गांव के कोई आदमी कोई व्यक्तिगत प्रचार नहीं करते। ये तालाब के पानी हटाते कि इतने चली थे या? तालाब के पानी कुछ गर्मी के दिन में कुछ कम हो जाते जी, लेकिन तालाब के पानी कभी नहीं सूखा है और ये प्रमाणित है।
लोग में नहावत भी है और अपन शरीर में यहाँ मिट्टी भी लगा। हाँ, मट्टी भी स्नान करते हैं, साबुन शैम्पू जगह में उस मट्टी में स्नान करना है। सदा दिन साबुन शैम्पू सब में स्नान करते हैं। एक दिन तो मट्टी में सबको मिलना है, एक दिन मट्टी में स्नान करने से हमारा काया काला नहीं हो जाए। अच्छा, छत्तीसगढ़ की जनता मतलब अपन का बोल रहे हैं, हमारे जनता है, हमारे भारत की जनता है, अपन आके स्नान कर सकते हैं, मंगत मांग सकते हैं, उनका दूर जो तकलीफ है परेशानी है उसको दूर कर सकता है गंगा मैया। ये पड़ी तालाब बीच सत सागर, हाँ सत सागर जी पड़ी तालाब बीच। और दोस्तों आप देख सकते हैं ये सब लोग पूरा तालाब में नहाने के लिए आ रहे हैं, दूर दूर से आ रहे हैं। और ये देख सकते हैं पूरी तरीके से यहाँ पर मेला लग चुका है। आज सोमवार का दिन है, सोमवार के दिन बहुत ही ज़्यादा भीड़ रहता है यहाँ पर, तो आप भी आना चाहते हो तो आ सकते हो, देख सकते हो पूरा सब लोग यहाँ पर नहाने के लिए आ रहे हैं दूर दूर से। और आप लोगों को यहाँ का सीन अच्छी तरीक़ा से एक्सप्लोर करेंगे, एक्सपोज करेंगे आखिर क्या है माजरा, क्या है वजह जो लोग इन दिनों यहाँ पर आ रहे हैं नहाने के लिए। आप देख सकते हैं यहाँ का माहौल आप लोग दिखा रहे हैं, ये देखो सुबह सुबह का समय है, ये पूरा सब लोग नहाने के लिए तालाब में आ रहे हैं हजारों के भीड़ में। सुबह सुबह बहुत ही ज़्यादा भीड़ हो जाता है,